गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे टॉपिक आई टीच यू कैटेगरी ऑफ पेस्ट. आज जो टॉपिक है कैटेगरी ऑफ पेस्ट, पेस्ट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है या क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट, पेस्ट को कितने क्लासिफिकेशन में बांटा गया है. देखिए इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ क्लासिफिकेशन डिवाइडेड टू थ्री पार्ट या कैटेगराइज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट. फर्स्ट पार्ट है बेस्ड ऑन सीजनल एंड लोकलिटी के आधार पे. नंबर टू है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन. एंड थर्ड है बेस्ड ऑन डैमेज पोटेंशियल. तीन तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है. फर्स्ट बेस्ड ऑन सीजनल एंड लोकलिटीज. नंबर टू बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड बेस्ड ऑन डैमेज पोटेंशियल. तीन तरह से क्लासिफिकेशन है. सो फर्स्ट हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन सीजनल एंड लोकलिटी. बेस्ड ऑन सीजनल एंड लोकलिटी के आधार पर कितने भागों में इंसेक्ट को बांटा गया है. राइट तो फर्स्ट है रेगुलर पेस्ट. फर्स्ट क्या है रेगुलर पेस्ट. नंबर टू ऑक्सीजनल पेस्ट. नंबर थर्ड सीजनल पेस्ट. नंबर फोर परसिस्टेंट पेस्ट. एंड नंबर फाइव स्पोरैडिक पेस्ट. इस तरह इसको पांच कैटेगरी में बांटा गया है रेगुलर ऑक्सीजनल सीजनल परसिस्टेंट एंड स्पोरैडिक. राइट तो हम फर्स्ट देखते हैं रेगुलर पेस्ट. व्हाट इज रेगुलर पेस्ट. रेगुलर पेस्ट किसको कहते हैं तो अकर्स मोस्ट रेगुलरली इन ए क्रॉप एंड हैव क्लोज एसोसिएशन विथ दैट पार्टिकुलर क्रॉप. देखिए रेगुलर मीन्स होता है कंटिन्यूअस लगातार. ऐसा पेस्ट जो लगातार कंटिन्यूअस क्रॉप में पाए जाते हैं और पार्टिकुलर फील्ड में पाए जाते हैं उस तरह के पेस्ट को हम रेगुलर पेस्ट कहते हैं. जो लगातार अपनी उसकी दर्ज करा रहा हो उस तरह के पेस्ट को हम क्या कहते हैं रेगुलर. उसी को है कि अगर मोस्ट रेगुलरली इन ए क्रॉप एक कंटिन्यूअस प्रेजेंट रहते हैं प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर इट इज कॉल्ड रेगुलर पेस्ट. राइट तो अगर मोस्ट रेगुलरली इन ए क्रॉप एंड हैव क्लोज एसोसिएशन विथ दैट पार्टिकुलर क्रॉप. एग्जाम्पल आपको लिखना है एक दो मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है. ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर. जो ब्रिंजल में फ्रूट बोरर इंसेक्ट लगता है वो कंटिन्यूअस हर साल जहां जहां भी ब्रिंजल खेती होती है कंटिन्यूअस वो डिजीज या वो इंसेक्ट दिखाई देता है. राइट नंबर टू है ऑक्सीजनल पेस्ट. नंबर टू ऑक्सीजनल पेस्ट. हियर ए क्लोज एसोसिएशन विथ ए पार्टिकुलर क्रॉप इज अब्सेंट एंड दे अकर इनफ्रीक्वेंटली. ऐसा पेस्ट जो कंटिन्यूअस क्लोज एसोसिएशन या पार्टिकुलर क्रॉप में दिखाई देता है लेकिन बहुत लगातार इनकी उपस्थिति नहीं रहती है. एक आध साल का इंटरवल हो जाता है कुछ दिनों का लंबे समय तक इंटरवल भी हो जाता है अब्सेंट भी हो जाते हैं कई कई साल. इस तरह के पेस्ट को हम ऑक्सीजनल पेस्ट कहते हैं. हियर ए क्लोज एसोसिएशन विथ ए पार्टिकुलर क्रॉप इज अब्सेंट एंड दे अकर्स इनफ्रीक्वेंटली जिसको हम कहते हैं मैंगो स्टेम बोरर. क्या नाम उसका है एग्जाम्पल मैंगो स्टेम बोरर या मैंगो में लगता है स्टेम बोरर. किसी की साल आता है किसी साल दिखाई नहीं देता है उस तरह के पेस्ट को हम ऑक्सीजनल पेस्ट कहते हैं. नंबर थर्ड है सीजनल पेस्ट जो सीजन में आते हो. अकर्स मोस्ट ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ ईयर एंड इजली द इंसिडेंस ऑफ गवर्न बाई क्लाइमेटिक कंडीशन. एग्जाम्पल रेड हेयर कैटरपिलर. वह इंसेक्ट जो सीजन के आधार पर आता हो सीजनल इंसेक्ट होते हैं उस तरह के इंसेक्ट को हम सीजनल इंसेक्ट कहते हैं. जैसे सीजनल पेस्ट कहते हैं जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा इंसेक्ट जो सीजन में आता हो पैडी के सीजन में पैडी का इंसेक्ट आता हो व्हीट के क्रॉप में व्हीट जैसा इंसेक्ट आता हो इस तरह के इंसेक्ट को हम जैसे चने का इंसेक्ट है चने के समय में ही आएगा उस तरह के इंसेक्ट को हम सीजनल पेस्ट कहते हैं जिसमें रेड हेयर कैटरपिलर. राइट फोर्थ है परसिस्टेंट पेस्ट. अकर्स ऑन ए क्रॉप ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. अकर्स ऑन ए क्रॉप ऑलमोस्ट थ्रू आउट काफी लंबे समय तक ऐसे ग्रास हॉपर जिसमें एग्जाम्पल हमने लिख दिया है राइस ग्रास हॉपर यह परसिस्टेंट पेस्ट कहलाता है जो लंबे समय तक खेतों में बना रहता है पैडी के खेत में. इस तरह के पेस्ट को हम कहते हैं परसिस्टेंट पेस्ट. अकर्स ऑन ए क्रॉप ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. नेक्स्ट है स्पोरैडिक पेस्ट. पेस्ट व्हिच अकर्स इन ए फ्यू आइसोलेटेड लोकलिटी. अकर्स स्पोरैडिक पेस्ट में पेस्ट व्हिच अकर्स इन ए फ्यू आइसोलेटेड लोकलिटीज कुछ लोकल स्थानों पे इस तरह के पेस्ट पाए जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं उस तरह के पेस्ट को हम कहते हैं स्पोरैडिक पेस्ट या दिखाई नहीं देते हैं.
सभी काल के दिखाई देते हैं, कुछ पार्टिकुलर एरिया में दिखाई दे जाते हैं इस तरह के पेस्ट, उस तरह के पेस्ट को हम स्पोरडिक पेस्ट कहते हैं, जिसमें राइट हियर हेड बग कहा जाता है। राइट नंबर टू है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंफेक्शन के आधार पे या इन्फेक्शन के आधार पे पेस्ट का क्लासिफिकेशन। उसमें दो तरह के क्लासिफाइड है, पहला है इपिडेमिक पेस्ट और नंबर टू है एंडेमिक पेस्ट। राइट तो फर्स्ट है इपिडेमिक पेस्ट, अकर्स इन ए सीवियर फॉर्म इन ए रीजन एट ए पार्टिकुलर सीजन। इस तरह के पेस्ट बहुत बड़े इन्फेक्शन करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, लेकिन कब आते हैं, जब उनके अनुकूल क्लाइमेट कंडीशन बनता है। या तो आएंगे नहीं, या तो उनके अनुकूल क्लाइमेट कंडीशन बन गया तो बड़े पैमाने पर आते हैं और नुकसान कर जाते हैं। इस तरह के पेस्ट को हम कहते हैं इपिडेमिक पेस्ट। इस तरह के पेस्ट को हम एपिफाइटोटिक पेस्ट भी बोलते हैं। राइट या तो आएंगे नहीं, या तो ऐसा वातावरण बन जाएगा, ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाएगा कि आएंगे और बड़े पैमाने पर आपका नुकसान कर देंगे। उस तरह के पेस्ट को हम कहते हैं एपिडेमिक पेस्ट, जिसमें एग्जांपल है राइस हिस्पा। राइट नंबर टू है एंडेमिक पेस्ट, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर इन ए पार्टिकुलर एरिया। ऐसा पेस्ट जो हर साल कंटिन्यूअस बना रहता है, उस तरह के पेस्ट को हम कहते हैं एंडेमिक पेस्ट, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल कंटिन्यूअस आते रहते हैं इस तरह के पेस्ट, राइस हिस्पा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डैमेज पोटेंशियल, जो डैमेज के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, तीसरा क्लासिफिकेशन है, जिसमें फर्स्ट आपका है बेस्ड ऑन सिग्नल एंड लोकलिटी के आधार पे, दूसरा है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंफेक्शन के आधार पे, तीसरा है बेस्ड ऑन डैमेज पोटेंशियल के आधार पे। जो डैमेज पोटेंशियल है उसमें फर्स्ट है ई पेस्ट, मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट, पोटेंशियल पेस्ट एंड स्पोरडिक पेस्ट। इस सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि तो तीन तरह के पेस्ट आपका चुन देखा है कि फर्स्ट पेस्ट आपका बेस्ड ऑन लोकलिटी एंड सीजन के आधार पे, जिसमें रेगुलर, ऑक्सीजनल, सीजनल, परसिस्टेंट, स्पोर्डिक। नंबर टू है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी एंड इन्फेस्टेशन के आधार पे, एपिडेमिक एंड एंडेमिक। दूसरा है थर्ड है बेस्ड ऑन डैमेज पोटेंशियल के आधार पे, की पेस्ट, मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट, पोटेंशियल पेस्ट एंड स्पोर्डिक पेस्ट। राइट सो माई लाइक चैनल इज सब्सक्राइब शेयर एंड